नमस्कार, मैं ब्रह्मांश यादव और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस के कद्दावर नेता और टीवी के चर्चित चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू 20 अक्टूबर को अपना 56वां जन्मदिन मनाएंगे। नवजोत इस वक्त राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं है। नवजोत आखिरी बार कपिल शर्मा के शो में नजर आए थे। हालांकि आम चुनाव के प्रचार के दौरान कुछ वक्त के लिए उन्होंने शो से ब्रेक ले लिया था। इसके बाद वे शो में दोबारा नहीं लौटे। हाल ही में कांग्रेस ने सिद्धू को हरियाणा महाराष्ट्र चुनावों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में अब ये हवा बह रही है कि कहीं वो कांग्रेस छोड़ तो नहीं रहे हैं। शायद अब सिद्धू कांग्रेस छोड़कर दूसरी सियासी नाव पर भी सवार हो सकते हैं। कांग्रेस की सिद्धू से दूरी की वजह उनके बेतुके और बड़बोले बयान ही बताए जाते हैं। नवजोत के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनके चार विवादित बयान जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। देखिए सिद्धू के वो बयान जो आज उनके लिए गले की फांस बन गए हैं। देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहला बयान दिया था। सिद्धू के इस बयान के बाद ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा। यहां तक कि उनके कपिल शर्मा शो छोड़ने की भी खबरें आने लगी थी। उस वक्त सिद्धू ने अपने बयान में कहा था, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे देश को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह हमला वाकई में कायरता का सबूत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ऐसी कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दोषी है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सिद्धू की सोशल मीडिया पर ट्रोल होने की दास्तां काफी लंबी है। पहले बयान के बाद जब सिद्धू यूजर्स के निशाने पर आ गए तो उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद यूटर्न लिया। हालांकि सिद्धू के बदले बोल भी लोगों को रास नहीं आया और उन्हें ट्रोल करने लगे। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया था, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडॉट विष ही है, आतंकियों का विनाश अनिवार्य है। एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे हमारी सेना ने खदेड़ दिया था। हालांकि विंग कमांडर अभिनंदन को पाक सेना ने पकड़ लिया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद पाक प्रधानमंत्री ने कमांडर को बिना शर्त वापस भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद सिद्धू फिर से तरफदारी करने लगे, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। सिद्धू ने ट्वीट किया था, इमरान खान, हर अच्छा काम अपने आप रास्ता बना लेता है, आपका ये नेक काम 1 अरब लोगों को खुशी देगा, पूरा देश खुश है, मुझे अभिनंदन के माता पिता और करीबियों के लिए बेहद खुशी है। इससे पहले सिद्धू पुलवामा हमले के बाद दिए बयान की वजह से घिर चुके हैं। पाक प्रधानमंत्री की तारीफ करने के बाद सिद्धू ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद नवजोत फिर से ट्रोल होने लगे। इस ट्वीट में सिद्धू ने लिखा, जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा ना हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।